हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी टेक्निकल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमरस बोन एक्सरे। आज के वीडियो में हम ह्यूमरस या आर्म बोन का एक्सरे कैसे करते हैं और इसकी पेशेंट पोजिशनिंग और इसके टेक्निकल फैक्टर क्या होते हैं, इन सभी को इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और रेडियोलॉजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए जानते हैं ह्यूमरस बोन एक्सरे के बारे में। ह्यूमरस बोन एक्सरे, इसे आर्म बोन भी कहा जाता है। सबसे पहले जानते हैं कि ह्यूमरस बोन का एक्सरे क्यों किया जाता है, इसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट है सस्पेक्टेड फ्रैक्चर, मतलब ह्यूमरस बोन में कोई सस्पेक्टेड फ्रैक्चर होने पर। सेकंड है ऑब्वियस डिफॉर्मिटी, मतलब ह्यूमरस बोन में कोई विकृति होने पर। थर्ड नंबर है ट्यूमर्स इन द ह्यूमरस बोन, मतलब ह्यूमरस बोन में कोई ट्यूमर होने पर। फोर नंबर है ह्यूमरस बोन में कोई सस्पेक्टेड फॉरेन बॉडी देखने के लिए। फाइव नंबर है नॉन ट्रोमेटिक पेन होने पर। इन सभी कंडीशंस में ह्यूमरस बोन का एक्सरे किया जाता है। अब एनाटॉमी की बात करते हैं, मतलब कोई भी एक्सरे करने के लिए उसकी एनाटॉमी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यह ह्यूमरस बोन होती है और यह आर्म की सबसे लॉन्ग बोन होती है। इस ह्यूमरस बोन में दो एंड होते हैं, एक अपर एंड होता है और दूसरा लोअर एंड होता है, और इन दोनों एंड के बीच में बोन का साफ्ट होता है। जो ह्यूमरस का अपर एंड होता है वह ग्लेनोइड कैविटी के साथ शोल्डर जॉइंट बनाता है, और जो लोअर एंड होता है वह रेडियस और अल्ना के साथ एल्बो जॉइंट बनाता है। ह्यूमरस का जो अपर एंड होता है वहाँ बोन का हेड, नेक, लेजर ट्यूबरोसिटी, ग्रेटर ट्यूबरोसिटी होते हैं, और इन ट्यूबरोसिटी को बाइसिपिटल ग्रूव के द्वारा सेपरेट किया जाता है। और ह्यूमरस का जो लोअर एंड होता है उसमें दो एपिकोंडाइल्स होते हैं, एक लेटरल एपिकोंडाइल्स और एक मीडियल एपिकोंडाइल्स होते हैं। और ह्यूमरस बोन के एंड में दो प्रोसेस होते हैं, एक ट्रोकिया प्रोसेस और सेकेंड है कैपिटुलम प्रोसेस। अब ह्यूमरस बोन एक्सरे प्रोजेक्शन की बात करते हैं। ह्यूमरस के लिए रूटीन में दो प्रोजेक्शन लेते हैं। फर्स्ट है ह्यूमरस एपी व्यू, मतलब एंटीरियर टू पोस्टेरियर व्यू। सेकंड है ह्यूमरस लेटरल व्यू। तो आइए इन दोनों व्यूज को डिटेल में जानते हैं। फर्स्ट है ह्यूमरस एपी व्यू, द पेशेंट इज सुपाइन एंड इरेक्ट ऑन द टेबल। मतलब सबसे पहले पेशेंट को या तो एक्सरे टेबल पर सुपाइन मतलब सीधा लेटाया जाता है, या स्टैंड के पास में इरेक्ट पोजीशन में सीधा खड़ा किया जाता है। द अफेक्टेड आर्म एंड फोर आर्म शुड रेस्ट ऑन द टेबल, मतलब अगर पेशेंट सुपाइन पोजीशन में है तो अफेक्टेड आर्म और फोर आर्म को एक्सरे टेबल पर रखा जाता है। द कैसेट इज प्लेस्ड अंडर द अफेक्टेड आर्म, फिर एक्सरे कैसेट को अफेक्टेड आर्म के नीचे रखा जाता है। द आर्म इज कॉन्टेक्ट विद द कैसेट, जो कैसेट होती है वह आर्म के कॉन्टेक्ट में होनी चाहिए। द एल्बो इज फुली एक्सटेंडेड एंड द आर्म इज सुपाइनेटेड, मतलब जो एल्बो जॉइंट होता है वह फुली एक्सटेंडेड, मतलब एल्बो जॉइंट पूरी तरह से फैला हुआ होना चाहिए और आर्म बोन सीधी सुपाइन पोजिशन में होनी चाहिए। द डोर्सल सरफेस ऑफ द अपर आर्म इज इन कॉन्टेक्ट विद द कैसेट, और जो अपर आर्म होती है उसकी डोर्सल सरफेस कैसेट के कॉन्टेक्ट में होनी चाहिए। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ह्यूमरस एपीव्यू के लिए पेशेंट की पोजीशन इस प्रकार होनी चाहिए कि जो आर्म बोन है वह कैसेट के कॉन्टेक्ट में होनी चाहिए और एल्बो फुली एक्सटेंडेड मतलब एल्बो पूरी तरह से फैला हुआ होना चाहिए, और जो आर्म की डोर्सल सरफेस होती है वह कैसेट के कॉन्टेक्ट में होनी चाहिए। ह्यूमरल एपिकोंडाइल शुड बी इक्वल डिस्टेंस, और ह्यूमरस के दोनों एपिकोंडाइल समान डिस्टेंस पर होने चाहिए। अब सेंटरिंग पॉइंट की बात करते हैं, द एक्सरे बीम विल बी सेंटर्ड टू मिडल पार्ट ऑफ द ह्यूमरस, मतलब ह्यूमरस एपी व्यू के लिए एक्सरे बीम का सेंटरिंग पॉइंट ह्यूमरस के मिडल पॉइंट पर होना चाहिए, मतलब ह्यूमरस बोन के साफ्ट पर एक्सरे बीम का सेंटर होना चाहिए। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर एक्सरे बीम का सेंटरिंग पॉइंट होना चाहिए। नेक्स्ट है कॉलिमेशन टू आर्म साइज, मतलब जो कॉलिमेशन होता है वह आर्म बोन की साइज का होना चाहिए, और इसमें शोल्डर और एल्बो जॉइंट इंक्लूड होने चाहिए।
इस डायग्राम में आप देख सकते हैं इसमें शोल्डर भी इंक्लूड हो रहा है और एल्बो जॉइंट भी इंक्लूड हो रहा है। नेक्स्ट है कैसेट साइज। ह्यूमरस के एपीवी के लिए 11x14 इंच की कैसेट का यूज किया जाता है और जो कैसेट साइज होती है वह बॉडी पार्ट की साइज पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट है ओरिएंटेशन ऑफ आईआर। आईआर मतलब इमेज रिसेप्टर। इसमें इमेज रिसेप्टर पोर्ट्रेट होना चाहिए और इसमें सिंगल प्रोजेक्शन लिया जाता है। नेक्स्ट है गोनाडल शील्डिंग। पेशेंट के गोनाड्स को स्किट रेडिएशन के प्रोटेक्शन के लिए पेशेंट के ऊपर लेड शील्ड लगाना चाहिए। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इस प्रकार पेशेंट की गोनाडल शील्डिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट है मार्कर। राइट एंड लेफ्ट इज प्लेस्ड ऑन द कैसेट, मतलब राइट या लेफ्ट मार्कर कैसेट पर रखा जाता है। नेक्स्ट है एक्सपोजर फैक्टर। ह्यूमरस के एपीवी के लिए 55 से 60 केवीपी और 10 से 12 एमएएस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है एफएफडी। एफएफडी मतलब फिल्म टू फोकस डिस्टेंस, यह 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट है ग्रिड। ह्यूमरस एपीवी के लिए ग्रिड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यह है ह्यूमरस एपीवी की इमेज हमें प्राप्त होती है। नोट, पेशेंट्स शुड रिमूव एनी ज्वेलरी एंड क्लोथिंग ओवर द आर्म टू अवॉइड आर्टिफैक्ट, मतलब आर्टिफैक्ट से बचने के लिए किसी भी ज्वेलरी और कपड़ों को आर्म बोन के ऊपर से रिमूव कर देना चाहिए। सेकेंड नंबर प्रोजेक्शन है ह्यूमरस लेटरल व्यू। द पेशेंट इज सुपाइन एंड इरेक्ट ऑन द टेबल। ह्यूमरस लेटरल व्यू के लिए सबसे पहले पेशेंट को एक्सरे टेबल पर सुपाइन मतलब सीधा लेटाया जाता है या स्टैंड के पास में इरेक्ट पोजीशन में सीधा खड़ा किया जाता है। द अफेक्टेड आर्म एंड फोरआर्म शुड रेस्ट ऑन द टेबल। अगर पेशेंट सुपाइन पोजीशन में है तो अफेक्टेड आर्म और फोरआर्म को एक्सरे टेबल पर रखा जाता है। द कैसेट इज प्लेस्ड अंडर द अफेक्टेड आर्म, फिर कैसेट को अफेक्टेड आर्म के नीचे रखा जाता है। द एल्बो जॉइंट इज फ्लेक्स्ड 90 डिग्री, फिर जो एल्बो जॉइंट होता है वह 90 डिग्री पर मुड़ा हुआ होना चाहिए। शो द मीडियल सरफेस ऑफ आर्म इज कॉन्टेक्ट विद द कैसेट, मतलब एल्बो जॉइंट 90 डिग्री पर मुड़ा होने से जो आर्म की मीडियल सरफेस होती है वह कैसेट के कॉन्टेक्ट में होनी चाहिए। इन दोनों डायग्राम्स में आप देख सकते हैं एल्बो 90 डिग्री पर मुड़ा हुआ होना चाहिए और जो आर्म की मीडियल सरफेस होती है वह कैसेट के कॉन्टेक्ट में होनी चाहिए। अब सेंटरिंग पॉइंट की बात करते हैं। द एक्सरे बीम विल बी सेंटर्ड टू मिडल पॉइंट ऑफ द ह्यूमरस, मतलब ह्यूमरस लेटरल व्यू के लिए एक्सरे बीम का सेंटरिंग पॉइंट ह्यूमरस के मिडल पॉइंट पर होना चाहिए। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यह ह्यूमरस की लेटरल व्यू की इमेज हमें प्राप्त होती है। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और रेडियोलॉजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इसके बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें जिससे आने वाली मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।